किसने दिखाया ये ज्ञान का मार्ग? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एंट्री जितनी मर्जी वेटेड हो, बस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। हमारे बनारस में एक कहावत है कि सांप की पूंछ से गाल नहीं खिंचवाते। इसका आइडिया तो ऐसा था कि आप लोगों के माध्यम से ही आए दिन आप लोग डिबेट करते थे कि लव जिहाद में बेटी फंस गई, लव जिहाद में कोई बेटी मिली तो वो सूटकेस में मिली, किसी को मार दिया गया, या आज जो रोड पे है, मतलब शादी की उन्होंने, डिसीजन लिए, ना वो माँ बाप की है ना वो अपने जिसे प्रेम किया उसकी है। तो हमारी धर्मपत्नी जी है वंदना तिवारी, इन्होंने ही, इनका ही आइडिया था, इन्होंने ही कहानी लिखी है। तो एक दिन इन्होंने ऐसे ही कहा कि इस पर सब्जेक्ट पर फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन क्या है कि तब तक कोई स्वीकारता नहीं है। फिल्म जब बनाई थी ना तो सेंसर बोर्ड ने स्वीकारा कि लव जिहाद होता है, और शायद आप लोग ही कहते थे लव जिहाद है, लेकिन ये हमारा दिया हुआ शब्द नहीं है, केरल हाई कोर्ट का दिया हुआ शब्द है लव जिहाद। तब जाके ये हमने इसको लड़ने के बाद 8 महीने हम सेंसर बोर्ड में, जो कि लड़ना नहीं चाहिए था हमें, मतलब ये उनको दे देना चाहिए था ये, क्योंकि राष्ट्र के लिए फिल्म है, देश के लिए फिल्म है, हमारी बेटियों के लिए फिल्म है, लेकिन फिर भी हमारी एक लंबी लड़ाई 8 महीने चली, और उसके बाद में यूएस सर्टिफिकेट के साथ आप लोगों के साथ में कल फिल्म आ रही है। ये लड़की चिंगारी ही नहीं बल्कि उस धधकती आग से पहले की चेतावनी है जो हमारे लव जिहाद के मिशन को नाकामयाब करना चाहती है। फिल्म के एक्टर से हम जानना चाहेंगे, आपने फिल्म करी है, किस तरह से आपको जो है कि इस फिल्म में जो है कि कन्वर्जन का जो करने का आपका जो है रोल, आपने मतलब भूमिका अदा करी है, कैसे मतलब मतलब फंसाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी एक्टिंग की तरह। पहले तो जय श्री राम आप सबको, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कल ये फिल्म ज़रूर देखें, आप लोगों के माध्यम से हमारी जो आवाज़ है आवाम तक जाए। ये फिल्म बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही सच्ची नीयत के साथ बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सबको पता है कि पिछले 8 महीनों से इस फिल्म में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब हर तरीके से इस फिल्म को रोके जाने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि इस फिल्म को महादेव की और हनुमान जी की कृपा प्राप्त है और कुछ देवी, बहुत सारी लड़कियों की, शायद नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियों की जो तकलीफें हैं उनको अब दूर करने का वक्त आ गया है, हमारी देश की बेटियों को बचाने का वक्त आ चुका है, इसीलिए ये फिल्म आई है। इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेलर में उसने कहा है साक्षी मिश्रा ने कि जो लोग तिलक का लावा बांध कर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं वो लोग सुधर जाएं, क्योंकि देश की बेटी अब जाग गई है। जो लोग तिलक कलावा बांध कर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं वो लोग सुधर जाएं, क्योंकि देश का हिंदू अब जाग गया है। जो अपनी भूमिका अदा करिए, किस तरह से आपने रोल अदा करा थोड़ा, और कौन से ऐसा जो है कि सीन जो है कि आपका खास रहा? देख किस तरह से किया तो ये तो आपको फिल्म देख के पता लगेगा, तो मैं आपको 2 मिनट में सीधे बता सकता हूँ कि जो मेरा किरदार है इसको बखूबी लिखा गया है, और मेरे करियर के लिए मेरे में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज मैंने इस किरदार को जिया है। अगर एक आर्टिस्ट किरदार को जिएगा नहीं तो ये जनता तक पहुँचेगा नहीं। अब देख रहे इसमें सफ़ेद टोपी पहना हुआ मैं ही हूँ, बबलू इकबाल शेख, तो मैंने इसमें जो एक एक्टर के लिए अपनी छवि के साथ खेलना, बिकॉज हम लोग इमोशन बेचते हैं, तो मैंने इसमें पूरी जान लगाई है कि अपनी इमोशंस को किस तरीके से इसमें जो कैसे करता है वो लव जिहाद के लिए कैसे फोर्सफुली करता है और कैसे कैसे, तो फिल्म देख के पता लगेगा आपको। तो मैंने उस किरदार को बखूबी जिया है, और हम लोग जहाँ जब इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम लोग को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो लड़का मुसलमान है? कौन है वो लड़का? बबलू इकबाल शेख। मुझे किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, हमारे लोग मुझे काफिर समझ बैठेंगे। लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो है लव जिहाद। मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से तुम्हारा प्यार कम हो गया? आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो आपका यहाँ मौजूद होना क्या ये दर्शाता है कि ये किसी एक धर्म को लेकर मूवी बनाई गई है? तो क्या धर्म की राजनीति करनी चाहिए? राजनीति क्या धर्म की होनी चाहिए? मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आप कह रहे धर्म की राजनीति करते हैं तो क्या अधर्म की राजनीति होनी चाहिए? क्या बाकी सब अधर्म की राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अभी तो हिंदू मुस्लिम किसी ने बोले ही नहीं, बोला क्या? एक बार नहीं बोला। जैसे आप बता रहे हैं, अगर मुस्लिम घर में लव जिहाद हो रहा है तो उनकी बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, पिता को सामने आके लव जिहाद का प्रतिकार करना चाहिए। करेक्ट। और उनको भी ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है, बेटी ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है,
अगर किसी को झूठ बोल के फंसाया गया है तो जिसके घर में ये हो रहा है, जिसके पड़ोस में ये हो रहा है, जिसकी बस्ती में मोहल्ले में ये हो रहा है, वो भी मेरे को लगता है इस फिल्म को देखने के बाद आगे आएंगे और इसका विरोध करेंगे। कपिल जी, एक सवाल है, कपिल जी एक सवाल है कि जैसे कश्मीर फाइल को लेकर दिल्ली भाजपा ने काफी कोशिश करी दिखाने की, क्या ऐसा दिल्ली भाजपा कोशिश करेगी ये फिल्म भी दिखाने की? क्या बोला आपने? दिल्ली भाजपा ने जो है कश्मीर फाइल काफी लोगों को दिखाई, अपने कार्यकर्ताओं को भी दिखाई और ज्यादातर। मैं कपिल जी के बयान पर एक मैं जवाब दे देता हूँ जी कि ना तो वो भाजपा ने दिखाई ना किसी और ने दिखाई, वो राष्ट्र के लोगों ने दिखाई है, ठीक है। और अब इसीलिए मैंने कई बार अनुरोध कर चुका हूँ इस फिल्म को भी सच्चाई है, वो अतीत था जो सच्चाई छुपाई गई थी, ये वर्तमान है, वर्तमान को आपकी देखिए हमने अपना काम कर दिया। अगर आप ईमानदारी से सच्चाई फिल्म देख के, ऐसे नहीं कि ऐसे ही फिल्म देख के आप इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि सच्चाई तो देखिए ये कि आपको भी जुड़ना पड़ेगा ना, आप भी कपिल मिश्रा बनिए। कपिल जी हमारे साथ में इतने दिन से, क्योंकि वो तब तक नहीं जुड़े थे जब तक उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी, बोले कि यार मैं कैसे करूं फिल्म में क्या दिखाया, कोई गलत होगा, तो उन्होंने पहले फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद वो इतने भावुक हुए कि यार ये तो हर लड़की का दर्द है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पहले फिल्म देखें और उस दर्द को महसूस करें कि वो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तब इसको आगे पहुंचाएं। और तुम जिसे प्यार समझ रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है, बस और कुछ नहीं है। हर मुसलमान बुरा नहीं होता है, और जिसने सनातन धर्म का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। जीते जी, अपने पापा को हम नरक में ढकेल दिए। आपने कहा कि जो इसमें फंसा लिया जाता है, जो शादी करता है वो कम से कम 20-22 साल का होता है, कोई बच्चा तो होते नहीं कि उसको ना समझो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं, शहनवाज हुसैन है, जिनकी वाइफ हिंदू है, इस तरीके से, तो आपको क्यों लग रहा है कि उनको फंसाया जाता है? नहीं नहीं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, लव अलग है, लव जिहाद अलग है, आप मिक्स मत कीजिए। अभी कहा जहाँ पर पहचान झूठी बताई वहां पर तो फंसाया ही ना। अगर सच बताया, नाम सच बताया, सब कुछ सच बताया, परिवार सच बताया, पहचान सच बताई, उसके बाद शादी हुई, प्रेम से रह रहे, सबको रहना चाहिए, इसका तो कोई विरोध करेगा ही नहीं पूरी दुनिया में, ना कोई कर रहा। ये उन मुद्दों पर आधारित है जहाँ पहचान झूठी बताई, नाम झूठा बताया, हाथ में कलावा बांध लिया, चाहे खानदान में किसी के कलावा ना बनता हो, तिलक लगा लिया, चाहे तिलक लगाने अलाउड ना हो उनके यहाँ पे, उसके बाद शादी के समय या संबंध होने के बाद, शादी के बाद सच सामने आना, फिर ये कहना कि अब तो कन्वर्ट होना है, उसका दबाव डालना, फोर्सफुल कन्वर्जन, और उसके बाद अत्याचार करना, इस मुद्दे के ऊपर ये फिल्म बनी है। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना होगा, एक नई पहचान देनी होगी। हम आपके लिए ना दुनिया का हर इम्तिहान पास करने के लिए तैयार। हिंदू समाज के लोगों के चेहरे पे काले पोत दिए हम। तुम अगर कमजोर पड़ गई ना तो ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। कमजोर नहीं पड़ेंगे देव, अब तो आदत सी पड़ चुकी है पंगा लेने। मुश्किल में है हिंदुस्तान, अब जल्लाद बनना होगा, इन धर्मांध पापियों से बेटियों को आजाद करना होगा। तुमसे एक हिंदू लड़की नहीं मारी जाती। बस, नो मोर कन्वर्शन।